जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो हैप्पीनेस आएगी, सुंदरता की बात होगी, क्रिएटिविटी की बात होगी, इनोवेशन की बात होगी, सबके वेलबींग की बात होगी, फिटनेस की बात होगी, तो क्या होगा, हैप्पीनेस आएगी। हम सबके विचारों को ध्यान में रखेंगे, सबकी ग्रोथ को ध्यान में रखेंगे, हम एथिकल और मॉरल रीजनिंग को ध्यान में रखेंगे, विच इज अ कंसर्न। अब जो बेसिक वैल्यू है लव, मैं बताऊं कि हमने एक छोटा सा मैंने सर्वे किया था क्लास में अपने टीचर ट्रेनीज को, मैं पढ़ा रही थी कि भाई वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंस है, कुछ वैल्यूज मैंने दी और मैंने देखा कि भाई कौन सी वैल्यू उनके जरिए, क्या आप समझते हो वैल्यू से, कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। To my surprise, मुझे प्रेम और लव as a value कहीं पर नहीं मिली। Nobody considered that love is important. Nobody considered that प्रेम की आवश्यकता है आपस में बने रहने के लिए, ग्रो करने के लिए। कोई दूसरी values की अगर हम बात करें, भाईचारे की, हम शांति की, सौहार्द की स्थापना की, जब तक प्रेम नहीं होगा फाउंडेशन में, दूसरी वैल्यूज कैसे बात करेंगे, मॉरल्स की हम कैसे बात करेंगे। आप और मेरे बीच में यदि प्रेम नहीं है तो हम कैसे अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, हम कैसे ग्रोथ की बात करेंगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम एथिकल और मॉरल वैल्यूज को ट्रांसलेट करें। क्लास में हम किस तरीके से एक्टिविटीज से, बातों से, अपने ओन कंडक्ट से, अपने बच्चों के व्यवहार से, खासतौर से टीचर तो आधी से ज्यादा चीजें बच्चों को अपने व्यवहार द्वारा सिखा दे रहा है कि यदि टीचर पंक्चुअल है क्लास में तो बच्चे को थक हार के पंक्चुअल होना ही पड़ेगा, नहीं मैम आ जाती है। यदि टीचर वेल प्रिपेयर्ड है, हंसता है, उनसे बातें करता है, उनके दुख सुख को सुन रहा है, उनको अंडरस्टैंड करता है, तो बच्चे के दिमाग में ये पीछे रहेगा बड़े होने तक कि अरे देखो वो मैम थी, वो कोई भी दिक्कत होती थी तो वो हमसे बहुत प्रेम के साथ हमसे व्यवहार करती थी, हमारे उन्हें उनके मेरे जीवन में आज तक मैं उनको याद करती हूँ कि देखे उन्हें किस तरह से मुझे ये बताया था कि मैं आज तक ये नहीं भूल पाई कि भाई फूल और फूल में क्या डिफरेंस होता है या कैसे बोले, एनीथिंग You know, this is the way we transfer and we transact values in the classroom. क्या ये values हैं? खास तौर से हमारे खुद के व्यवहार से, व्यक्तित्व से, gender sensitivity, citizenship skill, साथ में कैसे पढ़ना है? कितनी नॉलेज हो बच्चे को, करेंट अफेयर्स की नॉलेज है कि नहीं है, किस किस ग्रेड में है वो, उससे रिलेटेड क्या हो रहा है उसके आसपास, क्या हो रहा है दुनियादारी, क्या है, कैसे वो आगे चलकर किस चीज पे एम्फसाइज करे, उसकी क्या साइकोलॉजी है उस वक्त, लर्निंग थियोरीज को ध्यान में रख के, स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रख के, जो आपके कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं ना, मैगजीन्स की, तो हम वहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर हमको जाना है, जो बच्चा दिख रहा है रियल लाइफ सिचुएशंस में, उस रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को हमें बच्चे को क्लास में देना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे रिकमेंडेशंस में कॉम्पिटेंस बेस्ड एजुकेशन में मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल थिंकिंग की बहुत आई है, साइंटिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की, इसलिए क्योंकि ये तो आपकी ग्लोबल स्किल्स हैं। मैथमेटिक्स की, मैथमेटिकल थिंकिंग क्यों कैसे आई, क्या इसकी आवश्यकता हुई, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में मैं इसके बात कर रही हूँ कि ये जो आपकी कॉम्पिटेंसीज अब विभिन्न वर्गों में निर्धारित है, क्लास में निर्धारित है, हमने एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात करी कि किस तरीके से एक्सपीरियंस बेस्ड हम लर्निंग करें जिससे कि वे कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट हो। और यदि आपको याद होगा कि एडगर डेल ने 1946 में, बहुत पहले से, इससे भी पहले बात हो रही है, हम लर्निंग के एक्सपीरियंस कौन की जब हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने उस कौन में एब्स्ट्रैक्टनेस बताई है सबसे ज्यादा टेक्स्ट बुक। और हमारी ये टेक्स्ट बुक ही हम सबसे पहले खोल कर बैठ जाते हैं क्लास में, जो कि नॉलेज सबसे एब्स्ट्रैक्ट है। और शायद यही कमियां हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग में रही हैं जिसके कारण हमें बहुत अधिक जो हम अचीव कर सकते थे हमने अचीव आज तक नहीं किया। कई कुरीतियां, कई तरीके की इकोनॉमिक्स के संदर्भ में, इकोनॉमी या सोशल प्रस्पेक्टिव्स या प्रस्पेक्टिव्स के संदर्भ में कमियां हमें इसीलिए दिखाई देती हैं क्योंकि हमारा जो ये टेक्स्ट नॉलेज वाला कंटेंट है हमेशा आगे रहा है जो कि सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। कॉन्क्रीट में हम बच्चे को एक्सपीरियंस दे रहे हैं। यहां पर पिस्ता जो है आप देख सकते हैं, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट एंड
कैरेक्टर एसेसमेंट जब हम करते हैं बच्चे का ग्लोबल के लिए, अब आप देखेंगे ये जो लर्निंग आउटकम्स है, इन लर्निंग आउटकम्स को हम प्राप्त कैसे कर रहे हैं, हम ये कैसे देखेंगे कि बच्चे में ये पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी पढ़ने की या लिखने की या न्यूमेरिकल बेस्ड डिवेलप हो गई है। इसके लिए आपको असेसमेंट चाहिए, तो असेसमेंट के लिए हमने विभिन्न तरीके से बात करी है और हमने इस पॉलिसी के संदर्भ में देखा जाए और CBSE में पहले से भी है, NCERT बात करती है हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट की, फॉर्मेटिव जिसमें असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट फॉर, असेसमेंट एज, तीनों की हम बात कर रहे हैं असेसमेंट्स की फॉर्मेटिव में, जो कि समेटिव पहले हम था, मैंने और आपने ज़्यादातर जो है वो हाफ ईयरली दिया होगा या फिर फाइनल दिया होगा, एक ही एग्जाम होता था, पूरे साल भर पढ़ते रहते थे और फिर जो है उसी में हमारा भाग्य निर्धारित होता था। एज अ टीचर नाउ वी हैव टू बी आंसरेबल, वी आर अकाउंटेबल कि वो कॉम्पिटेंसी बच्ची ने सीखी कि नहीं कर सीखी, क्योंकि वो असेसमेंट में आपको पता चल जाएगी कि भाई जब आप असेस करेंगे उसे फॉर्मेटिव लेवल पर कि आपने एक कॉम्पिटेंसी के लिए उसको तैयार किया, आपने असेस किया और फिर आपको पता चल गया कि इस कॉम्पिटेंसी में कितनी उससे रिलेटेड नॉलेज मिली, उसको स्किल मिली, उसकी एटीट्यूड में क्या परिवर्तन हुए, उसने कितनी वैल्यूज को इम्बाइब किया, ये आपको पता चल जाएगा। और इस तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट की ज्यादा जगह ले ली है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि ग्लोबल स्तर पर असेसमेंट का क्या रुख है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने ग्लोबल पीस ऑर्ग के वेबसाइट से लिया हुआ है, जहाँ पे कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट की बात हम कर रहे हैं और आपका ग्लोबल पीस फाउंडेशन जहाँ पर आपको कह रहा है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कैरेक्टर एंड क्रिएटिविटी की बात करी है, इन स्टैंडर्ड्स की बात करी है इन्होंने यहाँ पे, जो कि कितने इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर और क्रिएटिविटी। और जबकि हम देखते हैं जो पीसा का फ्रेमवर्क है आपका, उसकी बात अगर हम करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये नॉलेज स्किल्स और एटीट्यूड्स की यहाँ भी बात है, संगम है, इसी से कॉम्पिटेंसीज बन रही है और कॉम्पिटेंसीज थ्रू एक्शन वी कैन असेस दैट व्हाट बिहेवियरल चेंजेस हैव बीन देयर इन अ स्टूडेंट वेयर वी कैन सी दीज कॉम्पिटेंसीज वेदर एक्वायर्ड और नॉट। सो नॉलेज में आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू रीड, आई कैन पोस्ट दिस प्रेजेंटेशन टू यू लेटर ऑन, यू कैन गो थ्रू दिस और यू कैन फाइंड इट ऑन नेट, इट्स नॉट समथिंग दैट इज नॉट देयर। सो वी टॉक अबाउट डिसिप्लिनरी नॉलेज, वी टॉक अबाउट interdisciplinary knowledge, we talk about practical knowledge, this is so important। global perspective में assessment को यदि हम देखेंगे competency based education में कि कैसे होगा, उसको disciplinary knowledge अपनी तो आए। अभी क्या होता है कि जब हम किसी से प्रश्न करते हैं बच्चे से कि भाई हाँ ये बताओ कि भाई pollution किन chemicals के कारण हो रहा है, क्यों हो रहा है, भाई ये क्या है, CFCs क्या है, पता है, तो हमारे टीचर ट्रेनीज उठकर कहेंगे कि मैम वो एक्चुअली मैं आर्ट्स की हूँ, मैम मैंने सोशल साइंस पढ़ी है, मैम मैं साइंस की थी नहीं तो मुझे पता नहीं कि केमिस्ट्री क्या है या केमिकल्स क्या है। सो व्हाट इज दिस, व्हेन वी गो आउट इन द सोसाइटी वहाँ पर आपको ये सोशोलॉजी अलग, इकोनॉमिक्स अलग या फिर मैथमेटिक्स अलग तो नहीं मिलेगी, वहां पे तो पॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है। अब ये पॉल्यूशन कैसा है, ये पॉल्यूशन क्यों है, पॉल्यूशन का कारण क्या है, पॉल्यूशन में ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो कि मैं और आप अपने कार्यों द्वारा, हमारे कार्यों से प्रभावित हो रहे हैं, हम क्या करें कि वैसे कार्य ना करें, हम क्या करें कि पॉल्यूशन कम करें, इसकी नॉलेज, इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज को कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में हम मल्टी डिसिप्लिनरी बनाते हैं, दैट वी इंटीग्रेट एंड वी मेक सच फ्रेमवर्क वेयर यू नो वी कैन अंडरस्टैंड इट विद डिफरेंट परस्पेक्टिव्स। कि पॉल्यूशन में आपकी केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करें हम बायोलॉजी भी उसके तहत सिखा रहे हैं, कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्यों हो रही हैं, क्या किया जाए, कैसे खान पान हो, कौन से केमिकल्स हैं उसमें, हम क्या करें कि भाई कौन से उसमें एयर का कौन से कॉन्टेंट्स कम हो जाते हैं, कौन सी गैसेज आ जाती है, कौन सी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि इस टॉपिक में नहीं आ रहा है, हम किस तरह से इसको मल्टी डिसिप्लिनरी बना सकते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज हम कैसे देंगे, और फिर हम उनको एक्टिविटी बेस्ड करें कि भाई बच्चे ने ये वैल्यू उसको पता चली, उसके एटीट्यूड में चेंज हुआ, कुछ प्रैक्टिकल उसने देखा करके ये सीखा कि देखो हम पॉल्यूशन को कम करें, या ये जब पॉल्यूशन होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, और जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक कैसे प्रभावित हो रहा है,
कई चीजें ऐसी हैं, समय कम है तो हम कभी हर एक पहलू को लेकर ढेर सारी बातें कर सकते हैं। फिर हम स्किल्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल असेसमेंट में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में, जिसमें कॉग्निटिव, मेटाकॉग्निटिव, सोशल इमोशनल, फिजिकल प्रैक्टिकल हर स्किल्स की बात है। फिर हम एटीट्यूड की बात करते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड टीचिंग लर्निंग की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों, ये जो ग्लोबल बेस ने दिया है, जो कैरेक्टर और क्रिएटिविटी है, कितना इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का, या असेसमेंट में इसको रखा गया है ग्लोबल स्तर पर, क्योंकि हम जानते हैं कि कैरेक्टर है वो जो निर्धारित करता है हमारी सोशल ग्रोथ, पॉलिटिकल ग्रोथ, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो मेरे आपके सोचने की को प्रभावित करने वाली बात हो, हमारे कार्य करने की शैली को प्रभावित हो, या हमें क्रिएटिविटी के साथ नए इनोवेशंस के साथ आगे आने वाली बात हो। बहुत इंपॉर्टेंट दो स्टैंडर्ड है, जिसको कि अगर हम देखेंगे कि पर्पस, मोटिवेशन, विजन, ओनरशिप, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट एंड रिजिलियंस, ये सब हम बात कर रहे हैं, और क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप्स, लर्निंग की, तो हम इनको नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड के फॉर्म में, इनके अंतर्गत हम इनको यहाँ पर देख सकते हैं कि वही सब बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो असेसमेंट कैसा होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में, किन चीजों पर हमें ध्यान देना है, कॉम्पिटेंसी जो क्लास में निर्धारित है उस सब्जेक्ट के लिए उनके लिए, और ग्लोबल स्तर पर किस तरीके का असेसमेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम इसको क्लास के जरिए ही डेवलप करेंगे, बच्चे को तैयार करेंगे ग्लोबल स्तर पर। और ये जो कहना चाहिए OECD के जरिए जो PISA का असेसमेंट फ्रेमवर्क दिया गया है, अभी हम मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से 2009 की यदि ये बात है जब ये आया था और कंडक्ट किया था, तो 73 कंट्रीज में हमारे जो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस था वहाँ पर 72nd नंबर पर था। और अगर हम एनुअल अपने सर्वे की भी बात करें कॉम्पिटेंसीज की, अपने स्टेटस की जो दिखाता है स्टूडेंट का, वो लगभग 14-15 साल तक के बच्चों के लिए किया जाता है, उनकी कॉम्पिटेंसीज को हम असेस करते हैं यहाँ पर, तो देखा गया कि 14% बच्चों की केवल बस वो कॉम्पिटेंसीज आई थी 14% बच्चों में हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि उस एज ग्रुप में होनी चाहिए। तो डेफिनेटली इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, सो दिस असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज यू नो विच कम्स थ्रू द व्हाट यू कॉल द लर्निंग आउटकम्स, और ये लर्निंग आउटकम्स डेवलप करते हैं हमारे पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसीज को निर्धारित करते हैं। अब इसको हम स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे हम निर्धारित करेंगे टेक्स्ट बुक को, करिकुलम को, हम कैसे इसको क्लास में करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत पर्टिकुलरली हम इसमें अपनी स्ट्रैटेजी जो दी गई है रिकमेंडेशंस में, और आप अपनी खुद इनोवेटिव होकर ऐसी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं, ऐसी पेडागोजी के कॉम्बिनेशंस को साथ में ला सकते हैं कि भाई कहाँ हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, कहाँ पे हमें बच्चों के बीच में डिबेट कराना है, कहाँ पे हमें उनको थिंकिंग के अवसर देने हैं, उनको परफॉर्म करने के अवसर देने हैं। तो जो टेक्स्ट बुक है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अब यहाँ पर प्ले करे, वो हमें गाइड कर सकती है, कोर हमें कॉन्टेंट्स को बता सकती है, लेकिन जो आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है उसको हमें इंपॉर्टेंस देनी है। इसीलिए हमने देखा फ्लेक्सिबिलिटी सब्जेक्ट वाइज कि स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अदरवाइज पहले देखा जाए तो कुछ एक साइंस स्ट्रीम हो गई, एक आर्ट स्ट्रीम हो गई, फिर बाद में आपकी कॉमर्स स्ट्रीम भी आ गई, तो जो साइंस वाला है, अरे वाह 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 क्या बात है, बहुत अच्छा बच्चा है, उसने साइंस ले ली, अरे कुछ ज्यादा नहीं करना, ठीक है आर्ट्स ले लो। और इसके ऑपोजिट हम जानते हैं कि साइंस का बच्चा कितना आगे कर पाता है और आर्ट्स का बच्चा कितना कर पाता है। तो इन सब्जेक्ट्स पर, इन सब्जेक्ट बेस्ड या स्ट्रीम बेस्ड एजुकेशन पर हमारा डेवलपमेंट, हमारी सक्सेस डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है हमारे में किस चीज को, ये जो कहना चाहिए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आ जाता है, कि उसको ध्यान में रखते हुए हम किन स्किल्स पर, एटीट्यूड्स पर और उससे रिलेटेड नॉलेज पे काम करें, कि वो जो बच्चा कॉम्पिटेंसी हमें देनी है, बच्चे को बेसिक कॉम्पिटेंसी, वो उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो टेक्स्ट बुक
के जरिए हम फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन हम उसको क्या देंगे, एक्सपीरियंस देंगे, इंटर्नशिप देंगे। अब जो वोकेशनल हम चीज़ों की बात करें, गार्डनिंग की बात करें, म्यूजिक की बात करें, या हम वुड वर्क की बात करें और दूसरे स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे लोग हैं इलेक्ट्रिसिटी की रिलेटेड बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी, तो हमारे जो समाज में लोग हैं उससे जुड़े, हम उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, उन जगहों पर बच्चे को ले जा सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि ये भाई ये इस तरह से होगा, और ये स्किल वो आकर डायरेक्ट बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। मॉरल एथिकल वैल्यूज पे ज़्यादा जोर देंगे हम विद्वान तो बहुत हो जाते हैं, सब्जेक्ट्स का हमें बहुत ज्ञान हो जाता है, लेकिन जहाँ पे हमारे मॉरल्स और वैल्यूज की, एथिक्स की बात करनी होती है, तो ये वो क्या हो जाता है, दरकिनार हो जाता है, बिल्कुल किनारे रख दी जाती हैं कि हम बात ही नहीं करते। हाँ ठीक है, बस ये सब कहने वाली बातें हैं, करने वाली कुछ नहीं है। इसमें एटीट्यूड की बात है, एटीट्यूड को चेंज करना है, ट्रेनिंग करनी है कि अचानक से कोई डिजास्टर में क्या रिस्पॉन्स होगा, कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो किस तरह का हम फर्स्ट एड दें। लाइफ स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स से जुड़ी हुई ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होगी यहाँ पर। और फिर आप लैंग्वेजेस की हमने यहाँ पर बात करी है कि किस तरह से एक बहुत ही सशक्त माध्यम है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट का, अंग्रेजी के साथ साथ, हिंदी के साथ साथ, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो हैं, और अधिक से अधिक भाषाएं। मैं तो कहती हूँ बच्चा जितना अधिक भाषा सीख पाए, तो इसलिए कम से कम एक भाषा कह दिया है कि भाई अपने इस अंग्रेजी के साथ आप हिंदी ले, और उसके साथ वहाँ पे आप उस स्टेट की लैंग्वेज भी ले। वो आप पे डिपेंड करेगा कि कौन सा राज्य किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाषाओं का ज्ञान, क्योंकि प्रोसेस लर्निंग आउटकम्स में आप देख रहे हैं, हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से हम बच्चे को पढ़ाएंगे। प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, लर्निंग आउटकम्स के साथ प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, ऊपर रखा हुआ है। और कंटेंट आउटकम्स में हम कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं, डेवलपमेंट एंड असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज दैट इंक्लूड 21st सेंचुरी स्किल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने पहले ही बनाया कि लर्निंग आउट ऑब्जेक्टिव्स हम कहाँ पर करते हैं, पहले ही जब हम लेसन प्लान करते हैं, निर्धारित कर लेते हैं, हम टीचिंग पॉइंट्स निर्धारित करते हैं, आज जाके हम ऐसे पढ़ाएंगे, लेकिन हम किस तरीके से उसको पढ़ाते हैं, और फिर लास्ट में क्या जो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए थे, हमने उसको केवल कॉग्निटिव लेवल पे बना दिया है ना, कि क्या बोलते हैं, बच्चे को इतना आना चाहिए इस विषय के संदर्भ में, और वो कैसे आए, कैसे इस चीज़ को करेगा, इस बारे में हम ध्यान नहीं करते, उससे वो स्किल सीख पा रहा है कि नहीं पा रहा है। जबकि हम लर्निंग आउटकम्स में उस कॉम्पिटेंसी को फाइनली देखते हैं कि बच्चा कितना लिख पा रहा है, बच्चा ने रियली उसने रीडिंग सीख ली, अब वो सौ और शौ की में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, उसे कहाँ सौ है कहाँ शौ है इसको वो पहचान सकता है, इसको वो देख सकता है, रीड कर सकता है, और विभिन्न एस्पेक्ट्स में उसका इस्तेमाल कर सकता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस लर्निंग सोर्सेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में। मैंने कहा डे टू डे लाइफ से एक्सपीरियंसेस को हमें क्लास में लिंक करना होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में, जिससे कि हम बच्चे की नॉलेज वो खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार, और हम और आप जानते भी हैं ये हमारा एक्सपीरियंस है। आजकल तो इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, इंटरनेट है, आप देख रहे हैं, ये कंटेंट है, ऑडियो है, वीडियो है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन किस तरीके से इसको बताया जाता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे क्या ये सारगर्भित रूप में आप तक पहुंच रहा है, किस इम्पैक्ट के साथ आप तक पहुंच रहा है, पहुंचाने का स्टाइल और माध्यम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके खुद का एक्सपीरियंस प्ले करेगा ये रोल में। मैंने और आपने हर तरह से एक्सपीरियंस किया हुआ है, ट्रेडिशनल क्लास में, और पेंडेमिक के दौरान टेक्नोलॉजी कैसे आ गई, आज मैं और आप कैसे बात कर रहे हैं, आपके साथ कितनी हमने वार्ता कर ली है आराम के साथ घर में बैठ करके, जो कि शायद संभव नहीं हो पाता। तो डिजिटल रिसोर्सेज हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में, ट्रेडिशनल के लिए भी ये रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने नहीं किए, पर वही है कि आप इसको किस तरीके से लर्निंग आउटकम्स के फॉर्म में कॉम्पिटेंसीज पे ध्यान दे रहे हैं, ना कि एग्जाम ओरिएंटेड, मार्क्स ओरिएंटेड, नॉलेज ओरिएंटेड
एक पर्सनालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। इंटीग्रेशन मैंने बताया, रिसोर्सेज हैं आपके किस तरीके से करेंगे, आपके ये लैब बच्चों को आप किस तरीके का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। बच्चा आ रहा है तो आप जर्मिनेशन के बारे में बताना चाहते हैं, इस जर्मिनेशन को आप सीधे आए और आपने शुरू कर दिया, हाँ भाई भाई ये जर्मिनेशन होता है, आपने डेफिनेशन दी, हम इसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है ना, आफ्टर सम टाइम यू वुड सी दैट देयर इज अ सैपलिंग दैट कम्स आउट ऑफ द सीड। बट नाउ इन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट, विच ग्रेड, विच चिल्ड्रेन एंड हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जर्मिनेशन शुड बी डिलीवर टू द स्टूडेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, विच कैन बी वेरी इंटरेस्टिंगली एक्टिविटी बेस्ड, दैट यू मेक स्टूडेंट डू दिस, सो द सीड, वॉटर इट, देन जस्ट टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉटर, जस्ट टेल हिम टू ऑब्जर्व observe the importance of sunlight, and there are so many things which we have been doing but maybe not very strategically and in a focused manner. So ye sare resources hai contextual to the learner, khas taur se kis tarike se learner aa raha hai, kis paripeksh mein wo aa raha hai, kis background se aa raha hai, wahan pe relate karenge. Class mein agar hamare kahiye 25 bacche hain ya 30 bacche hain, jaise bhi ye bacche ka jo background hai na, sabka different background है, सबका बैकग्राउंड एक सा नहीं है, उसके एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट है, तो उस बैकग्राउंड, उस एक्सपीरियंस को लेकर के, एक किसी के पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं तो उसको मेडिकल का जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, वो दवाओं के बारे में भी जानता होगा, फर्स्ट एड की भी नॉलेज रखता होगा, बनिस्बत के एक बच्चा जो कि फार्मिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, वो ये जानता है कौन सी फसल किस मौसम में की जाती है, कौन सी रवि की है, कौन सी खरीफ की है। सो स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस in their day-to-day life. Now, how you are going to connect all these experiences with the classroom teaching, day-to-day teaching, and its implementation and use in the real-life situation, that matters. So, that is why we say that competency-based education has to play the very, very important role in time to come. Aur time ho gaya, assessment ki bhi humne baat kar li hai, multidisciplinary approach ki bhi baat kar li hai. Ya aapke liye kuch aisi slides maine rakhi thi jo main soch rahi thi, agar समय होगा तो हम फिर कभी इसमें जरूर बात करेंगे। सो आई होप दैट दिस इज समथिंग विच वुड हैव हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का। बस हम ये जान पाए कि कौन सी कॉम्पिटेंसीज ग्लोबल लेवल पे हमें बच्चे में किस ग्रेड में डिवेलप करनी है, और एज अ टीचर हम ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं, कैसे असेसमेंट को करते हैं, जिससे कि हम ये जान पाए कि ये जो कॉम्पिटेंसी मैंने निर्धारित की थी उसको हमारे बच्चों ने अचीव कर लिया है। और उसके लिए मेरे और आपके पास अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, अपने हम ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी जो है हर तरीके से जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ पेशेंट लिसनिंग, एंड यू हैव बीन वंडरफुल ऑडियंस, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच।